वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। एन ऑयल फनल मेड ऑफ थिन शीट कंसिस्ट ऑफ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन अटैच्ड टू एक फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इफ द टोटल हाइट इज 20 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 8 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द फनल इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द थिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल। ठीक है, और क्वेश्चन में ये फिगर हम लोग को गिवन है। इसमें ऊपर की साइड में क्या बन रहा है, फ्रस्टम बन रहा है और नीचे की साइड में सिलेंडर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ से हम लोग ने सपोज डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो फनल की शेप में है, इस टाइप से फनल बन रही है, और नीचे जो है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन बन रहा है। इस तरह से अगर हम इधर की तरफ इस तरीके से बना ले तो ये ऊपर की साइड फ्रस्टम है, नीचे की साइड में सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, सिलेंडर की हाइट हम लोग को दी गई है 10 सेंटीमीटर की, और जो डायमीटर गिवन है वो 8 सेंटीमीटर का डायमीटर है। ओके, और यहाँ पे जो फ्रस्टम फॉर्म हो रहा है इसकी जो बड़ी वाली डायमीटर है वो 18 सेंटीमीटर की है, और ये जो नीचे वाली डायमीटर होगी वो इसी के इक्वल होगी 8 सेंटीमीटर की, और जो हाइट होगी टोटल हाइट हम लोग को 22 सेंटीमीटर की गिवन है, और 10 सेंटीमीटर जब यहाँ से हम लोग लेस कर देंगे तो फ्रस्टम की हाइट कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर की आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट 12 सेंटीमीटर की आएगी। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल। अब फनल बनाने के लिए हम लोग को जो टिन शीट चाहिए होगी उसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, कहाँ कहाँ वो टिन शीट लगानी है। तो टिन शीट जो लगानी होगी वो आउटर पार्ट में ही लगानी होगी, अंदर तो कहीं उसका यूज नहीं होगा। ठीक है ना, तो इट मीन्स हम लोग को कर्व्ड एरिया चाहिए होगा, इस फनल का कर्व्ड एरिया चाहिए होगा। ठीक है, तो हम लोग कर्व्ड एरिया निकालेंगे फ्रस्टम का और कर्व्ड एरिया निकालेंगे सिलेंडर का, और दोनों को एड कर देंगे तो वो टिन शीट का एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब फ्रस्टम का जब हम लोग कर्व्ड एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग को एल चाहिए होगी, स्लांट हाइट चाहिए होगी। ठीक है ना, ये जो हाइट, ये जो स्लांट हाइट है ये हम लोग को चाहिए कर्व्ड एरिया निकालने के लिए, तो हम लोग उसको निकालेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डायमीटर ऑफ द टॉप ऑफ द फनल कितना है, 18 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स कैपिटल आर। तो जो बड़ी वाली जो रेडियस है उसको हम लोग कैपिटल आर एज्यूम कर रहे हैं, तो आर ऑफ द टॉप ऑफ द फनल इक्वल टू 18 अपॉन 2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देन डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देन स्मॉल आर, ओके स्मॉल आर मान के चलेंगे सिलेंड्रिकल पोर्शन का, तो यहां पे क्या हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द फ्रस्टम, फ्रस्टम की हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट है 22, इसमें से हम लोग सिलेंड्रिकल पोर्शन की निकाल देंगे तो बचेगी कितनी 12 सेंटीमीटर। ओके, देन हम लोग को क्या फाइंड करना है, स्लांट हाइट सबसे पहले फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्लांट हाइट एल ऑफ द फ्रस्टम, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एच कितना है, एच यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है 9 माइनस 4 इसका स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो यहाँ पे अंडर रूट में कितना आ जाएगा 169, और वैल्यू क्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग के पास में फ्रस्टम की स्लांट हाइट भी है तो हम लोग इसका
कर्व एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ द टिन शीट क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहां पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू पाई आर एच। तो पाई यहां पे कॉमन हो जाएगा, तो पाई को कॉमन ले लिया हम लोगों ने, और इन द ब्रैकेट आर, आर की वैल्यू कितनी है 9 प्लस स्मॉल आर 4 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस, अब पाई हम लोगों ने कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस इनको सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी 18, 22/7 और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 169 प्लस 18। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 249। ओके, और जब इसको सॉल्व करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 249 तो वैल्यू आएगी 5478/7 और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 782.57। ये किसमें निकला है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इतनी टिन शीट की रिक्वायरमेंट होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।